हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक डिफेंस का जॉब लेके आए हैं। यदि आप भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वायुसेना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है केवल 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए, और ये एक रैली भर्ती प्रक्रिया होगी। तो इसमें कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक जानकारी हिंदी में, और इसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है वायुसेना के द्वारा, वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय वायुसेना ने एयरमैन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो यहाँ पोस्ट आपको एयरमैन की मिलेगी, और ये एक ओपन रैली भर्ती हो गई, यानी कि जो सभी जिले हैं वो भाग ले सकते हैं। कोविड-19 के कारण जो है यहाँ इस बार 125 या 25-25 के समथिंग बैच आपके बनाए जाएंगे। और विज्ञापन संख्या जो आपको यहाँ मिल रहा है 1 जनवरी, यानी कि ये जो है नई साल की एक नया बैच जो है प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। और इसी के साथ बात करेंगे पद का नाम, एयरमैन समूह अक्ष की यहाँ वैकेंसी आपको मिल रही है। और पदों की संख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पदों की संख्या जो है नहीं बताई जाती है कि कितने पद आपको यहाँ मिलते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे वेतनमान की, तो 14,600 से लेके 33,100 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो वेतन आपको अच्छा मिल रहा है। और शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके रहने वाले 10+2 रहने वाली है। आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जैसे और बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जैसे कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा हो गई। तो ये इसमें प्रोसेस बताए गए हैं, 3 स्टेज आपके होने वाले हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपकी लिखित एग्जाम हो गई। तो बच्चों अभी देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल की डेट में प्रकाशित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स इसके साथ ये बेस देख सकते हो, विज्ञापन संख्या जो आपको यहाँ बताया गया है ये इसका विज्ञापन संख्या 2021 का बताया गया है। और इसके साथ यहाँ कुछ और अपडेट जो है आपको बताया गया है। रिक्रूटमेंट रैली कब से कब तक होगी, सबसे पहले बात करेंगे 23 सितंबर से लेके ये जो है 4 अक्टूबर तक रैली जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाला है। यानी कि इन डेटों के बीच आपको ये जो है आपके फिटनेस टेस्ट होंगे, रिटर्न टेस्ट होंगे। यहाँ देख सकते हो जो है 23 सितंबर 2020 को से लेकर 26 सितंबर तक जो होगा आप देख सकते हो। इसमें ये बताया है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट उड़ीसा, यानी कि जो उड़ीसा के कैंडिडेट्स हैं वो भाग लेंगे। यहाँ डेट आपको बताई है उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए, वो है 23 से लेकर 26 सितंबर। और इसके साथ फिर आपको यहाँ अलग अलग जो डेट बताई गई हैं कि अलग अलग प्रोसेस इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाले हैं, तो अलग अलग डेट यहाँ बताई गई है। यानी कि 4 अक्टूबर तक यहाँ आपके जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट संबंधित जो कार्य होगा। और इसके साथ ये वैकेंसी केवल 2 राज्यों के लिए निकल के आई है। प्रथम वैकेंसी आपको मिल रही है उड़ीसा से, उड़ीसा के साथ बेंगलोर से जो ये रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन करवाया जा रहा है, तो कर्नाटका। और इसमें आपको जो 2 नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, एक उड़ीसा का मिल रहा है और एक बेंगलोर का नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो इसमें ये बताया है कि उड़ीसा के आल डिस्ट्रिक्ट यानी कि सभी जिलों के लिए है। और इसके साथ एक रिक्रूटमेंट और प्रकाशित हो रहा है, वो हो रहा है बेंगलोर से। आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके मतलब आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। और एयरमैन की वैकेंसी है, उम्र सीमा आपको यहाँ बताई गई है, और इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी हो रहने वाली इंटरमीडिएट, और इसी के साथ कितने प्रतिशत अंक आपको चाहिए वो कंप्लीट जानकारी आपको इसमें बताई गई है कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट जानकारी बताई है। क्या आपको इसमें पेमेंट मिलने वाला है, तो ये आपको इसमें पेमेंट बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ समझाया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।